अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, वालेकुम सलाम मैम। यस मैम, आ रही है। एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे। मैम आपने वो LMS पे अपलोड किया था क्विज का कि लेक्चर 1, 2 और 6 है, तो आपने तो जी कहा था कि बच्चे, 1, 2, 5 होंगे। जी आईटी वाली लेक्चर्स कर दिए जो एंडोक्रिनोलॉजी वाले लेक्चर्स थे। लेक्चर 1 लेक्चर डायबिटिक्स है। ओके मैम। एंटी फंगल स्टार्ट करनी है हमने आज। एंटी फंगल एजेंट्स जो हैं, जो भी फंगल इन्फेक्शन हैं उनके अगेंस्ट जो भी ड्रग्स यूज हो रही हैं, चाहे वो सिस्टेमिक हो या टॉपिकली हम उनको यूज कर रहे हैं, एंटी फंगल में आएंगी। फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सर्जरीज और कैंसर ट्रीटमेंट और क्रिटिकल केयर, जिनमें के इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है पेशेंट्स की, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि ज्यादा टेंडेंसी होती है कि फंगल इन्फेक्शन उन पे अटैक कर सकें, और उसकी वजह से ज्यादा उनमें देखा गया है कि चाहे वो ओरल कैविटी से रिलेटेड हो या फिर और तरह से, क्योंकि वो उस तरीके से कोप अप नहीं कर सकते जिस तरीके से एक हेल्दी इंडिविजुअल कर रहा होता है। इसमें सर्जरीज आ गई कैंसर ट्रीटमेंट के केस में, उसमें भी इम्यूनिटी लो हुई होती है। कोई क्रिटिकल केयर जैसे एड्स वगैरह के पेशेंट्स हैं उनमें, और उनमें जिनमें बहुत ज्यादा एंटीमाइक्रोबियल्स यूज हो रही है, या HIV पेंडेमिक, कोई एड्स उनमें बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है। डिफिकल्ट टू ट्रीट क्योंकि यहाँ पे परफ्यूजन लो है ट्रीट में। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो डिवाइटलाइज्ड है या एवस्कुलर है, जेनिटल पेनिट्रेशन है, वैसे में ट्रीटमेंट भी फिर प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिस्टेमिक यूज कर रहे हैं तो भी ब्लड उस तरीके से रीच नहीं कर रहा वहां तक, और अगर टॉपिकल कर रहे हैं तो उसमें भी फिर एप्लीकेशन ज्यादा टाइम के लिए करनी पड़ती है। फिर जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन है उनमें स्किन के मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सॉरी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। दो तरह के इन्फेक्शन हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन एंड डीप सीटेड इन्फेक्शन। सुपरफिशियल इन्फेक्शन स्किन, नेल्स एंड हेयर, ओरोफेरिंग्स, वजाइना वगैरह आ गई। डीप सीटेड इन्फेक्शन में किसकी वजह से कॉज हो रहे हैं? डायमॉर्फिक फंजाई की वजह से, यीस्ट की वजह से, जिसमें कैंडिडल स्पीशीज आ सकती हैं, और बी है प्रोसाइटोसिन है, न्यूर एज यूज करते हैं। तीन तरह के एंटीफंगल की मैम क्लास। जी बच्चे, आपका डिस्टोर्शन आ रही है, आपकी आवाज वो खराब हो जाती है थोड़ी टाइम बाद। मुझे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है, आई गेस इस वजह से ऐसी आवाज हो रही है। तीन टाइप्स हैं एंटीफंगल्स की। एक वो जो डैमेज करेंगे सेल मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी को,
दूसरे वो जो कि इनहिबिट करेंगे काइटिन की सिंथेसिस को जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट है फंगल ऑर्गेनिजम्स की, और तीसरी वो जो कि उसके न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, जो परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं उसमें इमिडाजोल्स, ट्रायाजोल्स, एलाइलामाइंस, मॉर्फोलाइंस, थायोकार्बामेट्स, सब्स्टिट्यूटेड पाइरिडोन्स और पोलीन एंटीबायोटिक्स आती हैं, जबकि जो काइटिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं उसमें कैस्पेफिंजिन और ड्राइसोफिलविन, और जो न्यूक्लिक एसिड को कर रहे हैं उसमें फ्लूसाइटोसिन आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे इन सब की, जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें वो एम्फोटेरिसिन बी है, निस्टेटिन है, फ्लूकोनाजोल है, जो इम्पोर्टेंट है उनको आपने ज्यादा याद रखना है, सारे ऑर्गेनिजम्स याद करने की या ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना चाहिए कि इनका कहाँ पे यूज है और ये स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक यूज क्यों है और कौन से इन्फेक्शन में हमने इसको यूज करना है। करती क्या एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन, ये बाइंड करती है सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है एर्गोस्टेरोल उसके साथ, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो सारे लॉस हो जाते हैं। मैम आवाज का बेनिफिट है हमें सेल के लिए लो है जबकि फंगल सेल के लिए हाई है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो है असरा मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कट रही है। यस मैम जिसकी वजह से क्या है कि इसका इफेक्ट फंगल सेल वॉल पे होता है बजाय इसके कि मेमिलियन सेल्स पे हो। एम्फोटेरिसिन बी की एक्टिविटी किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है, स्पेशली कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, प्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मा, इनके अगेंस्ट है। आईवी मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जी बेहतर है आवाज जी बच्चे करते हैं इसकी एसोफेजाइटिस मैम जैसे ही आवाज जो एसोफेगस में होगी, रैपिडली प्रोग्रेसिव म्यूकोरमाइकोसिस इंट्राथीकल का मतलब ये है कि हम इसको सीएसएफ में इंजेक्ट करें जी, सीएसएफ में इसे इंजेक्ट करेंगे सब एरिकेनॉइड स्पेस में।
किस केस में जो कोक्सीडायोड्स की वजह से मेनिनजाइटिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जो एम्फोटेरिसिन बी की वो ट्रीटमेंट चॉइस है पर इनिशियल ट्रीटमेंट में यूज जो अभी हमने बात की इसके अलावा ये कि अगर एंडोथेलमाइटिस हो जाए फंगल एंडोथेलमाइटिस हो जाए तो उसी एम्फोटेरिसिन बी को सिर्फ हमने सिस्टेमिक एडमिनिस्टर करना है इसके टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं जो मेजर रिएक्शंस होते हैं एम्फोटेरिसिन बी की वजह से उसमें फीवर एंजल्स हैं टैकीपिनिया है रेस्पिरेटरी स्टाइडर और हाइपोटेंशन होती है इसी वजह से जो पेशेंट्स होंगे जिनमें कार्डिक और पर्मनेंटली डिजीजेस हों उनमें हम इसको जो है रिड्यूस कर देंगे इसकी अमाउंट को या कॉशन के साथ इसको यूज करेंगे ताकि हमें ये जो है हम हाइपोक्सिया या हाइपोटेंशन डेवलप ना हो सके अगर ये रिएक्शंस जो हम एम्फोटेरिसिन बी की वजह से पेशेंट में हम एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं अगर वो सबसाइड नहीं होते विद इन 30 to 45 minutes तो उसके लिए फिर हम पैथिडीन देंगे पैथिडीन की वजह से क्या होता है कि वो शॉर्टन कर देता है इस हाइपोटेंशन या हाइपोक्सिक एपिसोड जो भी आई होती है इसको या फिर उसके लिए एक तरीका और है कि प्री ट्रीटमेंट कर दें ओरल पेरेस्टामोल से या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसक्सिनेट स्टीरॉइड है वो साथ में दे दें इसकी वजह से क्या होगा कि वो इसके रिएक्शंस को डिक्रीज कर देगी एजोटीमिया होता है 80% ऑफ द पेशेंट्स में जो एम्फोटेरिसिन ले रहे हैं एजोटीमिया क्या है नेफ्रोटिक डिजीज है जिसके ट्यूब्स में डैमेज आता है स्पेसिफिकली और नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन इम्बेलेंस हो जाती है एम्फोटेरिसिन बी को लिपिड फॉर्मुलेशन में बच्चों में थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि यहाँ कनेक्शन का काफी इशू हो रहा है और मैं चाह रही हूँ लेक्चर खत्म हो जाए ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए बजाय इसके कि इससे पहले ये मसला हो दोबारा एम्फोटेरिसिन बी को लिपिड फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं और ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है इन वाटर अगर हम जब इसके लिपिड फॉर्मुलेशन यूज करते हैं उसका हमें फायदा ये होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है और एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है लेकिन साथ ही उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई है एक्सपेंसिव हो गया है लेकिन अच्छा एक और हमें इसके साथ जो अचीव हुआ है बेनिफिट वो ये कि किडनी में इसके लोअर लेवल्स होते हैं जिसकी वजह से वो जो हमने एजोटीमिया की बात की उसकी रिडक्शन हो जाती है उसके और नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिड्यूस निस्टेटिन ये भी प्रोलीन एंटीफंगल है इसका भी जो है वो मैच करता है एम्फोटेरिसिन बी के इसको सिस्टेमिक यूज बिल्कुल नहीं करते टॉपिकल एप्लीकेशन है इसकी सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से हो रहे हैं कॉमनली उन इन्फेक्शंस के लिए ट्रीट होती है जो कि ओरल कैंडिडाइसिस है ओरल कैंडिडाइ और इनसाइड ऑफ द चीक्स पे और एसोफेगस पे और यहाँ पे पूरा एक वाइटिश सा वेब्स सी चीज बन जाती है जिसे थ्रश कहते हैं माइल्ड एसोफेगल कैंडिडाइसिस में और वेजिनाइटिस में एंटीफंगल एजोल्स हैं ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं इनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिस्टेटिक एक्टिविटी है और इनके आगे से दो ग्रुप्स हैं एक इमिडाजोल ग्रुप है इमिडाजोल ग्रुप में टू नाइट्रोजन्स हैं और एक ट्रायाजोल कंपाउंड्स हैं जो ट्रायाजोल कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास 3 नाइट्रोजन्स हैं इन सब का क्या इफेक्ट है कि ये इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को जो कि इनहिबिशन करवा जो कि सॉरी डीमिथाइलेशन कराता है लेनोस्टेरॉल की एर्गोस्टेरॉल में जो कि हमने बात की कि उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन की रिडक्शन हो जाती है और वहां पे क्या होता है कि वो डैमेज लीकी सेल मेम्ब्रेन उसकी एक्सपोज्ड हो जाती है एफिनिटीज इसकी भी डिफरेंट है मेमेलियन और फंगल सेल के लिए ट्रायाजोल्स जो है उनके फ्यूअर साइड इफेक्ट्स हैं एब्जॉर्प्शन बेटर है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है इन बॉडी टिश्यूज और ड्रग इंटरेक्शंस भी लोअर है ये सब ये दिखाया हुआ है कि सारी ऑलमोस्ट एक ही तरह की हैं विद फ्यू डिफरेंस के जो है सिर्फ इनके पैटर्न में चेंज है वरना सब में रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फ्लूकोनाजोल है
इसको एसिडिक एनवायरमेंट नहीं रिक्वायर्ड जैसे कीटाकोनाजोल का रिक्वायर्ड है. जीआईटी एब्जॉर्प्शन के लिए 80-90% ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है डोज को. सीरम लेवल इसके होते हैं, इसको सिर्फ सिंगल डेली डोजिंग में यूज करते हैं क्योंकि 27-37 hours इसकी जो है वो अवेलेबिलिटी है. 11% सर्कुलेटिंग ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन में बाउंड करती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करती है. इसके लेवल 60-80% CSF में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसे मेनिनजाइटिस के केस में यूज किया जाता है. एक हमने एम्फोटेरिसिन बी यूज की है, दूसरी हम ये फ्लुकोनाजोल यूज करते हैं मेनिनजाइटिस के केस में. 80% ड्रग अनचेंज्ड यूरिन में एक्सक्रीट होती है, और अगर रीनल इंसफिशियंसी का पेशेंट होगा तो उस केस में फिर हमें रिडक्शन करनी पड़ेंगी. कैंडिडा स्पीशीज के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली उनमें जो एड्स पेशेंट हो या फिर जो रिफ्रेक्टरी हो चुके हों निस्टेटिन से, क्लोट्रिमाजोल से या कीटाकोनाजोल से, उनमें खास तौर पे ये बहुत बेटर है. ये दिखाई हुई है थ्रश की कंडीशन के टंग पे जो है वो वाइटिश वेब और इससे एक चीज ये होती है कि इसको रब करके इसको डायग्नोसिस का तरीका ये होता है कि अगर हम इसको रब करेंगे किसी कॉटन से या गॉस पीस से तो ये साफ हो जाती है. ठीक है, एड्स पेशेंट जो फ्लुकोनाजोल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते उनमें भी इसको यूज किया जाता है. सिंगल डोज दी जाती है 150 mg, इफेक्टिव है वजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए. 3-day कोर्स दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडा यूटीआई के केस में, और स्टेबल नॉन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी इसको फ्लुकोनाजोल से ट्रीट किया जाता है कैंडिडीमिया को. एम्फोटेरिसिन बी का अल्टरनेटिव यूज करते हैं इन मेनिनजाइटिस एंड कॉक्सीडायोडल मेनिनजाइटिस. बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में अगर हम प्रोफाइलेक्टिकली फ्लुकोनाजोल दे दें तो उसमें भी मोर्टेलिटी में डिक्रीज आया है. इसके अलावा जो एंड स्टेज एड्स पेशेंट्स हैं उनमें भी सिर्फ प्रोफाइलेक्टिकली दिया गया है फंगल इन्फेक्शन को पहले से ही ट्रीट करने के लिए. फ्लुकोनाजोल वेल टॉलरेटेड है. एसिम्प्टोमेटिक लिवर एंजाइम की एलिवेशन होती है इसलिए हेपेटिक इनसफिशेंसी में इसे कॉशन के साथ यूज करना है. हेपेटिक नेक्रोसिस भी रिपोर्ट हुआ है कुछ पेशेंट्स में. एलोपीशिया इसके अलावा एक इसका एडवर्स इफेक्ट है. एलोपीशिया आपको पता है क्या होता है, बॉल्डनेस होती है, इसलिए इसको हम को एडमिनिस्टर करते हैं एंजाइम इनहिबिटर फ्लुकोनाजोल के साथ जो कि फेनिटोइन है जिसकी वजह से सीरम फेनिटोइन लेवल्स जो है वो इंक्रीज रहते हैं. हाइड्राकोनाजोल है, ये भी लिपोफिलिक है, वाटर इनसॉल्युबल है, और इसको लो गैस्ट्रिक पीएच चाहिए होती है फॉर एब्जॉर्प्शन. बायो अवेलेबिलिटी इसकी 20-60% है और हाईली प्रोटीन बाउंड है, लिवर में मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन थ्रू बाइल है. कहाँ यूज होती है, एड्स के पेशेंट्स में, हिस्टोप्लाज्मोसिस में और नॉन मेनिंजियल ब्लास्टोमाइकोसिस के केस में. ड्रग ऑफ चॉइस है स्पोरोट्राइकोसिस के लिए एक्सेप्ट मेनिनजाइटिस. इट्राकोनाजोल कीटोकोनाजोल की जगह यूज होती है एज ड्रग ऑफ चॉइस. किस केस में, पैराकोक्सीडायोडोमाइकोसिस में और क्रोमाइकोसिस में, क्रोमोमाइकोसिस में. ये स्पोरोट्राइकोसिस दिखाया हुआ है, स्पोरोथ्रिक्स शंकाई एक फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये इस तरीके से स्पोरोट्राइकोसिस होता है जिसमें हमने कहा है कि इट्राकोनाजोल यूज करते हैं. कीटाकोनाजोल अगेन ये भी ओरली एब्जॉर्ब होती है, इसको एक गैस्ट्रिक एसिड एनवायरमेंट चाहिए क्यूटेनियस और म्यूकस मेम्ब्रेन में, कैसी है. लेकिन अब नए जोल जो हैं उसकी जगह यूज होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि फ्लुकोनाजोल, हम कीटोकोनाजोल की जगह यूज करने लगे हैं. यूजुअली इफेक्टिव है थ्रश के लिए लेकिन फ्लुकोनाजोल सुपीरियर है इसलिए उसने उसको रिप्लेस कर लिया. वाइड स्प्रेड डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन जो है स्किन के वो भी इजिली कीटाकोनाजोल से ट्रीट हो जाते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स में इसके नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया कॉमनली है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है, प्रूराइटस, एलर्जिक डर्मेटाइटस, लिवर एंजाइम एलिवेशंस, ये सब कुछ है. लेकिन इसमें हेपेटाइटिस रेयर है जो कि फ्लुकोनाजोल के साथ ज्यादा देखा गया था. इसका एडवर्स इफेक्ट एक बहुत खास है, ये है कि ये हाई डोजेज में रिडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को और ब्लॉक कर देता है कॉर्टिकोट्रोपिन की रिलीज को. गायनेकोमेस्टिया, इम्पोटेंस, ये चीजें कॉज करता है. स्पर्म काउंट भी डिक्रीज कर देता है जेंट्स में, और फीमेल में क्या करता है ये कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, और इसी टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस रिड्यूस हो रही है. इसी वजह से हम इसे अपने फायदे के लिए कहाँ पे यूज करते हैं कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के केस में हम इसे यूज करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन वहां पे ये उसको जिसका एडवर्स इफेक्ट है वहां पे हमें ये बेनिफिट देता है कि टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस नहीं होती और वो कार्सिनोमा जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ता. क्लोट्रिमाजोल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिस्टेटिक इमिडाजोल ड्रग है, टॉपिकल ट्रीटमेंट में यूज हो रही है ओरल, स्किन और वजाइनल इन्फेक्शन में जो कैंडिडा एल्बिकन की वजह से हो रहे हैं.
और जो क्यूटेनियस डर्मेटोफाइट्स है उनमें इसको यूज करें. एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन में ही इसकी ड्रग कंसेंट्रेशंस होती हैं और लेस देन 10% जो है वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब होती है. फ्लोरिनेटेड पाइरिमिडीन्स हैं जिसमें फ्लूसाइन आती है. ये क्या करती है कि 5-FC होती है और ये जाके इनसाइड सेल जाके 5-फ्लोरो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाती है बाय फंगल एंड वहां जाके ये क्या करती है यूरेसिल ये जाके डीएनए पे एक्ट करती है और वहां पे इनहिबिट करती है थायमिडाइलेट सिंथेटेज को और उसकी जो है आरएनए नहीं बनने देती और फिर आरएनए से आगे प्रोटीन सिंथेसिस उसकी स्टॉप हो जाती है. फ्लूसाइटोसिन का जो एंटीफंगल एक्शन है वो कैंडिडा स्पीशीज के और जो क्रोमोमाइकोसिस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट इफेक्ट है. एलाइलामाइंस हैं ये रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं फंगल एंजाइम्स क्वेलिन मोनोऑक्सीजिनेज के जो कन्वर्ट करती है क्वेलिन को लेनोस्टिरॉल को अगेन लेनोस्टिरॉल जो कि एर्गोस्टिरॉल बनाती है जो कि इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है. उससे क्या हुआ एर्गोस्टिरॉल की प्रोडक्शन डिमिनिश हो गई इफेक्ट किया फंगल सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को उसके फंक्शंस को. तो इनकी क्योंकि ना सेल मेम्ब्रेन बनी ना सेल वॉल बनी तो इसका फंगिसाइडल एक्शन आ गया. फंगिसाइडल एक्टिविटी कहाँ रिक्वायर्ड थी हमें डर्मेटोफाइट्स के केस में और यीस्ट में इसने अपना फंगिस्टैटिक एक्टिविटी दिखा दिया. नेफ्टिफाइन है ये टॉपिकल यूज के लिए कैंडिडा इन्फेक्शंस में. टर्बिनाफिन है ये टॉपिकल और सिस्टेमिक यूज में होती है डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस में और नेल्स में. इकाइनोकैंडिन्स है जिसमें कैस्पोफिनजिन आता है ये सेमीसिंथेटिक लिपोपेप्टाइड है. ये इनहिबिट करता है बीटा ग्लूकैन को जो भी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और ये इन्वेसिव एस्पर्जिलोसिस में यूज होती है जिनमें एम्फोटेरिसिन बी और आइट्राकोनाजोल से इफेक्ट अचीव हमें ना हो रहा हो. एडवर्स इफेक्ट इसके किसकी वजह से होते हैं हिस्टामिन रिलीज की वजह से. हिस्टामिन रिलीज से क्या होगा फेशियल फ्लशिंग होगी रैश फीवर प्रुराइटिस होगा. इस वजह से डोज रिडक्शन करनी पड़ती है और हेपेटिक इंसफिशेंसी में भी हम इसकी रिडक्शन करते हैं. पायरिडोन्स हैं साइक्लोपिरोक्स ओलामीन है पायरिडोन डेरिवेटिव है क्यूटेनियस डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस में. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्यूटेनियस डर्मेटोफाइट में कैंडिडा एल्बिकेंस में इसमें यूज है खास इनका यही है. अर्टिनिया वर्सिकोलोर में इसका यूज है. इंटरफेयर करता है फंगल ग्रोथ के साथ मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट करके. थायोकार्बामेट्स हैं इसमें टोलनाफेट आता है ये टॉपिकल ट्रीटमेंट करता है डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस में और टीनिया में. ये भी एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस है जो फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है. नॉन पोलीन एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें गाइसोफिलविन आती है. जी बच्चे समझिए आपने क्या कहा है. क्राइसोफिलविन ओरल फंगिस्टैटिक एजेंट है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज होता है डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस में. इनहिबिट करता है फंगल ग्रोथ को माइक्रोटिब्यूल्स जो के माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके साथ अटैच करके. इसके अलावा ये जाके केराटिन के साथ अटैच हो जाता है जो के स्किन में हेयर में नेल्स में होते हैं और उनकी प्रोग्रेशन को स्टॉप कर देता है. रिंग वॉर्म की वजह से जो इन्फेक्शन होता है बियर्ड में स्कैल्प में और अदर स्किन सर्फिसेज में उसको ये स्टॉप करता है और इसकी थेरेपी 4-6 weeks रिक्वायर्ड होती है जो हम इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है टॉपिकल एप्लीकेशन ही है इसकी. ये एक डायग्रामेटिक थोड़ी सी दिखाई हुई है उन्होंने. ये सेल वॉल दिखाई है फंगल सेल वॉल और अंदर की तरफ मेम्ब्रेन दिखाई हुई है. इसमें देखें जो हमने ड्रग्स पढ़ी हैं हमने सबसे पहले इधर देखें कि हमने इसका पढ़ा एर्गोस्टिरॉल इसमें है. एर्गोस्टिरॉल के सिंथेसिस को क्लोट्राइमाजोल है जो कि इमिडाजोल डेरिवेटिव्स थे टॉपिकल एप्लीकेशन है उसकी. उसने उसके सिंथेसिस को ब्लॉक किया एर्गोस्टिरॉल नहीं बनेगी सेल वॉल नहीं बनेगी. दूसरी तरफ इधर से फ्लूसाइटोसिन थी जिसने अपना 5-फ्लोरोयूरेसिल एक्टिव मेटाबोलाइट बनाना था. वो 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है वो आगे आके इसके डीएनए और आरएनए के मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करेगा और यहाँ पे वो उसको ग्रो नहीं होने देगा आगे रेप्लिकेट नहीं होने देगा. दूसरी तरफ ग्राइसोफिलविन है जिसको हमने क्या किया था ग्रोइंग स्किन नेल्स और हेयर वगैरह में जाता है जो कि अभी हमने पढ़े थे नॉन पोलिन एंटीबायोटिक्स उनके साथ ही अटैच होता है और ये भी आके इस सिंगल्स पे आरएनए मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है. दूसरी तरफ हमारे पास आके पोलिन एंटीबायोटिक्स. पोलिन एंटीबायोटिक्स में कौन सी थी एम्फोटेरिसिन बी
जो कि आईवी है और निस्टेटिन जो कि टॉपिकल है. ये दोनों क्या करती हैं, अगेन सेल वॉल पे इनका एक्ट था, ये सेल वॉल ही चल रही है पूरी, ये जो ब्राउनिश से शेड में सेल वॉल पे आके एक्ट करती हैं और एर्गोस्टिरॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं. ठीक है, थोड़ा स्पीड में लेक्चर था ताकि खत्म करने से पहले कि दोबारा इंटरनेट का इश्यू हो. इजी लेक्चर था, कोई इसमें ज्यादा, सिर्फ आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ये हमने शुरू में पढ़ी थी. इमिडाज़ोल, ये सब हमने जो से कीटोकोनाज़ोल, ये आपको बस पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लास से बिलोंग करती है. दूसरी चीज ये कि किसका कहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन है वो आपको पता होना चाहिए. बाकी बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, हर स्पीशीज के हर हर फंजाई के नाम याद करने की जरूरत नहीं है. जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें बच्चों. जी बच्चों, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें. नो मैम. आप लोगों का क्विज लेक्चर वन, लेक्चर टू जो जीआईटी वाले लेक्चर हैं दोनों, और एंटी डायबिटिक्स, बस ये तीन लेक्चर्स में से आपका क्विज होगा. ट्यूसडे को और इवनिंग में ही होगा, लेट टाइमिंग्स में 7:30-8 बजे के अराउंड. ओके मैम, 8 o'clock के बाद रखिएगा क्योंकि हमारी एससीपी की क्लास भी होती है 7:45 तक, तो वो हो रही है. ठीक है, मैं कोशिश बेटा 15-16 तीन लेक्चर्स में से कितने बन जाएंगे एमसीक्यूज बच्चा. ओके मैम. जी सना. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी बच्चे. मैम आप इस टाइमिंग सुबह में रखिएगा, शाम टाइम इधर इंटरनेट नहीं आता, हमें बहुत ज्यादा मसला होता है. प्लीज बेटे, सुबह में लेक्चर्स होते हैं, सुबह टाइम क्लासेस काफी है मैम हमारी. बेटा 15-20 मिनट का क्विज है, आप देख लीजिएगा अगर आप मैनेज कर सको. ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.